हेलो गाइस, परम मनोरथ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम रहे लक्ष्मी जयंती आर के ट्रेलर 2 का रिएक्शन, जो कि है राम गोपाल वर्मा की मूवी। और राम गोपाल वर्मा ने जो हमने इसका ट्रेलर 1 देखा था, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। और ऊपर से जैसे हमने बताया था कि एनटीआर जी के अराउंड इतनी सारी मूवीज आ रही है, एनटीआर कथा नायडू, एनटीआर महानायक 2, और ऊपर से फिर लक्ष्मी जयंती आर, अभी लक्ष्मी जयंती का ट्रेलर 2 निकाल दिए, तो वो पूरा इनसाइट देना चाहते हैं किस तरीके से। और बहुत सारे उनके इंटरव्यूज भी आ रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हाँ, उन्होंने कैसे फील किया और क्या क्या देख के चीजें बनाई है, और चंद्रबाबू नायडू उन्होंने किस लाइट में दिखाया। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ट्रेलर 2 भी देख, क्योंकि है ना, फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर तो यही दिखाया गया था कि लक्ष्मी एनटीआर जी की लाइफ में आती है और फिर ये उनसे इनके पॉलिटिकल पार्टीज में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको जूते पड़ने लग गए हैं, फिर ये उनसे शादी कर लेते हैं, फिर उनको पार्टी में भी शामिल कर लेते हैं, और उससे कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को प्रॉब्लम होती है। और वो उसमें दो फेजेस चल रहे थे कि एक साइड हमें दिख रहा था कि चंद्रबाबू नायडू से प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी साइड दिख रहा था कि लक्ष्मी जी से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दोनों के दोनों फिलहाल में से जो सांप वाला वो डायलॉग आना एनटीआर जी का कि घर में अंदर सांप हो तो वो ही एकदम से डस लेता है, तो बाहर वाले को किसको बोले। और अब ये ट्रेलर 2 आया है तो इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर और भी क्या क्या चीजें दिखाई जाएगी, तो बड़ा मजा आएगा देखने में। और ऊपर से देखा गया आजकल बहुत सारी मूवीज जो है ट्रेलर 2 निकाल रही है। हां, देखिए केजीएफ का आया था ट्रेलर 2, केजीएफ का आया था, तो लोगों को होता है कि भाई जैसे फर्स्ट ट्रेलर में अगर कुछ चीज मिसिंग रह गई तो और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ट्रेलर 2 निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत सही चीज है। काइंड ऑफ इससे क्या होता है कि लोगों को थोड़ी और क्लैरिटी आती है। कई मूवीज होती है जो बहुत एक ट्रेलर देख कंफ्यूजिंग लगता है और उस कंफ्यूजन की वजह से मूवी नहीं देखे जा पाता। ट्रेलर 2 आता है तो उनको अच्छा और समझ आती है। और जैसे केजीएफ में होता है, ट्रेलर 2 बहुत इंपैक्टफुल था ट्रेलर 1 से, तो वैसे ही कुछ मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो देखते हैं, आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बोथ ही एंड माय चिल्ड्रन किल्ड मी। ఇప్పుడు వాళ్ళే నన్ను వద్దు అనుకుని ఎలక్షన్స్ కి వెనక్కి తీసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు. ఓహో, ఓహో, మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి. రామారావు గారు ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకోమని అడిగారు. రామారావు సార్, శ్రీదేవి జై సుధా జై ప్రదా లాంటి మహామహా అంతర్గతతో పంచుకున్న ఆయనకి దాన్లేదు. మ్యారేజ్ కాలేదు. కొట్టినా పొడిచినా చంపినా నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఆయనకి సేవ చేసుకోవడానికి. ఇక పార్టీలో ఏ నిర్ణయమైనా నాకు తెలియకుండా జరగడానికి వీలు లేదు. అంటే మనం ఎందుకు పనికిరాని దద్దమ్మలం అనుకుంటున్నాడా? నాకు ముందు మాట ఇవ్వండి, ఆయన ఉన్నంత వరకు ఏ హాని తలపెట్టనని. నా కొడుకు లోకేష్ మీద ఉంటే చెప్తున్నాను, దానిని ఆపాలని నేను చేసే ప్రయత్నం. నాకు 100% సపోర్ట్ కావాలి. నేను ఇంకో రోక్నే కేలే సత్రుడు. మన దగ్గర నిజం ఉంది, నిజాన్ని ఎవరు ఆపలి. रियल स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर था। और मेरे लिए मैं एक्सपेक्ट थोड़ा ऐसा करता था कि ट्रेलर 1 के बाद क्या क्या दिखाया जाएगा ट्रेलर 2 में, क्योंकि ट्रेलर 1 में बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, तो उसके बाद भी ट्रेलर 2 में काफी सारी चीजें हैं जो दिखाई गई और पता लगा उस मूवी के बारे में। मेनली तो ये पता लगा कि किस तरीके से, यहाँ ये पता लगा वहाँ पे थोड़ा सा ना ट्रेलर 1 में थोड़ा वेग था कि किस तरीके से उनका रिलेशनशिप है और क्या है कैसे। यहाँ पे ये पता लगा हाँ, एनटीआर जी ने उनको पूरा एक्सेप्ट कर लिया, पूरा मैरी कर लिया उनके साथ, तो उसके बाद से पूरी पार्टी में प्रॉब्लम और आने लग गई थी कि किस तरीके से पार्टी उनके विरोध में आ गई और सबको लगने लगा कि वो फीमेल जो है, मतलब जो लक्ष्मी है, वो कंट्रोल कर रही है एनटीआर जी को और एनटीआर जी खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर चंद्रबाबू नायडू और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो है
वो भी उनके अगेंस्ट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, वो भी उनके खिलाफ बोली जा रहे हैं, तो किस तरीके से पार्टी अगेंस्ट हो रही है लेकिन वो उनका साथ नहीं छोड़ रहे, और लक्ष्मी जो है वो भी जिस तरीके से दिखाई जा रही है वो सही दिखाई जा रही है कि वो भी हर चीज बुरा सहन कर रही थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, और मेनली ऐसा कि एनटीआर जी ने उनको मेनली अपने से शादी करने के लिए बोला था तो इसलिए वो उनसे शादी कर रही थी, तो वो इतनी बैड साइड में नहीं दिखाई गई है, मेन बैड साइड में चंद्रबाबू नायडू दिखाए जा रहे थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। और ऊपर से ना जब फर्स्ट इसका ट्रेलर वन आया था तो उसमें जैसे इनके लक्ष्मी के बारे में इतना कुछ दिखाया नहीं जा रहा था, तो वो देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं इनके आने के बाद ही इन्होंने उनको लाइक चेंज कर दिया हो, या फिर कुछ ऐसा होता ना कि कुछ कुछ षड्यंत्र काइंड ऑफ रच के एनटीआर जी का लाइक वो पार्टी बर्बाद करना चाहते हो, पर जिस तरीके का ट्रेलर टू में दिखाया गया ना उनका एक बहुत सेफ साइड बहुत अच्छी साइड दिखाई गई कि लक्ष्मी जी बहुत सही थी, और ये पूरे लाइक इनकी लाइफ में इनकी ट्रेलर टू में भी दिखाया गया कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि लाइक खुद की पार्टी के खुद के लोग ही बगावत पे उतर है, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है, उस टाइम पर भी लक्ष्मी जी उनके साथ में पूरा एकदम एंड तक साथ दे रही है, उनके रोने में साथ है, उनके लाइक जो कोई भी डिसीजन है उसमें साथ है, उनकी खुशियों में साथ है, हर लाइफ के हर पार्ट में साथ दे रही है, तो ये ट्रेलर टू के अंदर ये उनकी थोड़ी बहुत ये छवि क्लियर हुई है कि नहीं वो बहुत सही थी, और वही मेनली क्योंकि राम गोपाल वर्मा भी देखते क्या वो बेचते भी ऐसे ना लास्ट में आया रियल स्टोरी, हाँ, वो राम गोपाल वर्मा का ये बहुत है कि वो लाइक लास्ट में बोलते ये रियल स्टोरी जो आपने पहले देखा है वो इतनी रियल नहीं है और उसमें हर चीज नहीं दिखाई गई, तो उन्होंने इस तरीके से इस मूवी को बेचने की कोशिश की है, और साथ साथ ये दिखाया गया कि जैसे मेनली जो पार्टी के बाकी लोग थे उनको मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लक्ष्मी एकदम से उनकी लाइफ में, और देखा तो देखा जब एनटीआर जी उनको अपने बाजू में खड़ा करते थे रैलियों के अंदर, हाँ, हाँ, और उनसे उनके साथ जा जाके हाथ मिला रहे थे, सब कर रहे थे, तो वो लोगों को बहुत खटक रहा था कि एकदम से ये आके हमारे जगह कैसे ले लिए, और वो होता ही है मेले क्योंकि है ना अगर जैसे कोई पार्टी कार्यकर्ता बहुत टाइम से तुम्हारे साथ में 10-15 साल से साथ में और वो एनटीआर जी के बाजू में नहीं खड़ा हो पा रहा है और ऐसे कोई लेडी आके उनके बाजू में खड़ी जाती है तो वो लाइक ऑफकोर्स खटास आती है भाई, और उसके बाद फिर चंद्रबाबू नायडू वो पूरे अपनी पार्टी से सपोर्ट मांगते अंदर अंदर से ही और फिर उनके खिलाफ खड़े होके, और वो एक मेन आया कि शपथ ग्रहण में भी थे, हाँ, वो। तो वो शपथ ले रहे हैं तो मतलब वही हुआ कि उन्होंने कुछ ना कुछ पीछे से झोल किया इसकी वजह से वो यहाँ पे आ गए, तो अब अंदर का रियल ट्रूथ तो हमें पता नहीं, बट ये जो मूवी है दिखाना चाह रही है कि कुछ कि मेनली चंद्रबाबू नायडू को बैड लाइट में दिखाना चाह रही है बहुत ज्यादा, और लास्ट में ऐसा था कि जो मैं देखा था कि भाई एनटीआर जी कह रहे थे कि अब अपने को टाइम खुद लाना पड़ेगा, तो वो अब किस तरीके से लाते हैं या मूवी के अंदर एंड किस तरीके से किया जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइक इसमें चंद्रबाबू नायडू को इस तरीके दिखाया गया कि एनटीआर जी को भी पता है कि ये ऐसा कर रहा है और चंद्रबाबू नायडू को भी ये पता है कि एनटीआर जी को ये बात पता है, तो वो अंदर अंदर घुस के करते हैं शपथ लेने के बाद भी उनके साथ में आके उनके पैर छू रहे हैं, लाइक उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि इतना बड़ा काम कर दिया पूरी पार्टी के अंदर घुस घुस के पूरा खोखला कर दिया पूरी पार्टी को, फिर जाके उनकी जगह शपथ ले ली और फिर भी उनके पास आके उनके पैर छू रहे हैं, तो लाइक उनको इस तरीके से थोड़ा प्रेजेंट किया गया, वही एनटीआर जी बहुत काफी टाइम तो वो नाराज दिखे, जैसे एक बार तो उनको जूते चप्पल पड़ रहे थे और एक बार तो वो रो रहे थे बहुत ज्यादा, तो वो दिखे बट लास्ट में जो उनको वो मैं देखा था वो स्टोरी के अंदर किस तरीके से बिल्ड होता है और वो ऐसा क्या करते हैं कि वो दिखाते हैं कि हाँ भाई अभी हमें खुद का टाइम लाना पड़ेगा, तो बाकी तो ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आप लोगों को कैसा लगा मेरे को मेंशन जरूर बताएं, जरूर, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।